अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग। ये फजर का वक्त है और हम नमाज़ पढ़कर अभी फारिग हुए हैं और बाहर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं। जो हम प्रिंस प्रिंस करके आवाज़ दे रहे थे ना, वो हमारे एक बिल्ले का नाम है जो अभी हमें मिल नहीं रहा था। सुबह सुबह हम सबसे पहले अपने कैट्स को खाना देते हैं, तो बाहर हम इसलिए दे रहे हैं कि इस वक्त हम जंगली बिल्लियों को खाना देते हैं ना, तो हमारी बिल्लियां भी उनके साथ खाने लगती है। इस वजह से फिर हम सबको एक साथ खाना देते हैं इधर। तो ये सब जंगली बिल्लियाँ हैं जो गार्डन में इधर उधर घूमती रहती हैं और ये हमारी कैट्स हैं। कुछ कैट्स अभी अंदर हैं, जो बाहर है वो इनके साथ खाने के लिए आ जाती हैं। आपने हमारे कुछ वीडियोस में देखा होगा ना, एक ग्रे कलर का जो बिल्ला था, पाइनएप्पल कलर की उसकी आंखें थी ना, वो बिल्ला हमारे घर का नहीं था, वो अक्सर कहीं से आता था तो हम उसे भी खाना वगैरह देते थे और वो इस गार्डन में अक्सर बैठा करता था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया है। शायद वो मर गया है तो नज़र नहीं आता अभी। ये मेरी सबसे छोटी बेटी रहमत है, जिसको मैंने पहले भी दिखाया था ना व्लॉग में। और जब मैं यहाँ पर चूल्हे पर खाना वगैरह बनाती थी ना आंगन में, तो बहुत से लोग कमेंट करते थे कि ये फार्म हाउस है। तो ये हमारा जहाँ हम रहते हैं ना, वो वाला घर है, ये फार्म हाउस नहीं है। फार्म हाउस जो है वो दूसरा है। और यहाँ पर जो है हमने मिर्ची के पौधे लगा रहे हैं और इस पर बहुत सारी मिर्चें भी आ गई हैं, तो इस वक्त हमने सोचा इसे हम तोड़ लेंगे। इतना अच्छा लगता है ना जब हम कोई पौधा लगाते हैं और जब उस पर फूल आते हैं या फल लगते हैं या कोई वेजिटेबल, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपको भी पसंद है गार्डनिंग करना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमको तो बहुत पसंद है। जब हम कोई रेसिपी अपलोड नहीं करते ना, तो उस दिन यही काम होता है घर में। दोपहर का वक्त था और हमने मटन स्ट्यू बनाया था। और इस वक्त जो है रहमा, जो हमारी बेटी है, नाराज़ थी किसी बात से और रो रही थी, लेकिन यही बात नहीं समझ में आती ना कि वो क्यों नाराज़ थी। तो हम उसे मना रहे थे। हमने आपको पहले भी कहा था कि इसके लिए दुआ करिएगा। ये 6 साल की हो चुकी है लेकिन ये बात नहीं कर पाती है ना, इसलिए तो आप ज़रूर दुआ करिए। दुआ में बहुत ताकत होती है, शायद आपकी दुआ से ये बात करने लग जाए। शाम का वक्त है, सब इस तरह से खटिया पे आके बैठ जाते हैं आंगन में। और आज हमारे घर आया है लुकमान भी। हम एक दिन ना आपको हमारे सारे बिल्लों से मिलवाएंगे। और इनके जो नाम है ना, बहुत अजीब है, जो मेरी छोटी बेटी ने रखे हैं। ये जो ग्रे बिल्ली है ना, इसका नाम उन्होंने रखा था कापुशी, इसको कापुशी बोलते हैं। और ये जो ब्राउन कलर का बिल्ला नज़र आ रहा है ना, इसका नाम है प्रिंस। और जो ग्रे वाली पर्शियन बिल्ली है ना, इसे अभी 2 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बच्चा मर गया और अभी एक बच्चा है इसका। ये देखो कितना प्यारा बेबी है। अरे बाबा, एक जगह तो रहने दो इसको, छोड़ दो बोल रही है वो। ये बिल्ली अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने देती, छुपा के रखती है सबसे। आज हमने उसको लेकर आए ना, तो बहुत परेशान है कि दे दो मेरा बच्चा, मुझे इसे लेके जाना है, तो हमको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती है। और जैसे हम लाते हैं ना, तो फ़ौरन ही पकड़ के लेके चली जाती है ऊपर। अब जो है रात हो चुकी थी, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम आज बाहर खाएंगे, तो फैमिली के साथ हम लोग गए थे रॉयल ढाबा, जो नया खुला है। ये ढाबा जो है मुंबई गुजरात के हाईवे के स्टार्टिंग में ही है और बहुत ही बेहतरीन ढाबा लगा हमें। नया खुला है ये, तो इस वक्त हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है और बहुत बड़ा ढाबा है ये। आप इस ढाबे को वेडिंग वगैरह के लिए भी जो है बुक कर सकते हैं, पार्टी के लिए बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सेटिंग लगी मुझे यहाँ की, और जो साफ़ सफाई थी वो भी बहुत ही बेहतरीन थी, तो बहुत ही अच्छा था ये। So many dreams, yeah, in my life.
Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dream's to see you. Seeing you will be my pleasure, but no one is like you. I wish to see you. Seeing you will be my pleasure, but no one is like you. And I wish to face the prophet Muhammad and be with him in Jannah. I dream of freedom, I dream of peace of mind. I dream of love, supernatural love. And everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart. No matter how much I obtain, so my dream for Jannah grows day by day. And I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of satisfaction. My biggest dream is to see you. We are just passing by, like a river from the mountain. Never can water turn back to the tower. We dream the dreams that can never save us from the night. Your worth will never fall, never. Relatives won't save you. Only your deeds will do you good. Now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dream is to see you. Seeing you will be my pleasure. Go, Remo, go up. Go up. I wish to see you. Go up, go up. क्या मेरा मैं विन नहीं करी, मगर मैं बस 6 नंबर ला लेती तो मैं विन हो जाती थी। रेमा पापा रीडर, ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर आप इस तरह के व्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है जो अभी हमने स्टार्ट किया है, नीलोफर सर्वर ऑफिशियल। आप उस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।